मॉम डैड हमें घुमाने के लिए यहाँ पर लेके आते थे। टूरिस्ट लॉज बहुत ही ब्यूटीफुल। चलो, ओह दिस इज अ स्वीट रूम, सिर्फ आप लोग पड़ेगा 2800 रुपीस में। एंड बालकनी से इतना खूबसूरत नजारा, वाओ फैमिली रीजन यहाँ पर। टेस्ट करो ना। गुड मॉर्निंग गाइज, सो वेलकम टू द नेक्स्ट व्लॉग। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं डैडी जी के साथ, बहुत काम है डैडी जी का, सुखिया जाना है, दार्जिलिंग टाउन जाना है, इधर उधर जाना है, तो आज डैडी जी के पीछे पीछे हम घूमेंगे। सो चलो चलते हैं। मम्मी गुड मॉर्निंग, डैडी गुड मॉर्निंग, हो गए रेडी दोनों? नमस्ते। आज डैडी का क्या क्या काम है पता नहीं, देखो दो दो काम है। क्या है? एक इसका है, एक इसका है। क्या है ये? सनग्लास है। ओ, एक पावर वाला चश्मा। कोई दिखाई नहीं देगा तो क्या करेगा, ये लगाना पड़ेगा। अभी आंखा बंद हो गया, आंखा बंद हो गया, किसको देखना है? देखना है मालूम है। ओ, मुझे पता है, मम्मी के सामने डैडी जी ये चश्मा पहनता है, बुड्ढा वाला। और बाहर जाते वक्त ये चश्मा पहनते है। नहीं, आँख कमजोर हो गया मम्मी की, तो ऐसे ऐसे करके देखता हूँ। लो चलो डैडी जी, इट हो गए, मेरा बैग यहाँ पर है। चलो बाय 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 बड़ी बाय बाय। सो चलो गाइस, आज डैडी जी करेगा ड्राइव। अभी हम दोनों जा रहे हैं सुखिया, तो सुखिया में कुछ ऑफिशियल काम है। एंड गाइस, एक्चुअली हमारा जो ये एरिया है ना, ये हमारा पंचायत एरिया पड़ता है। जैसे कि दार्जिलिंग टाउन एरिया जो है वो पड़ता है म्यूनिसिपैलिटी एरिया, तो उन लोगों का अलग ही डिपार्टमेंट होता है। एंड हमारा जो ये एरिया है वो पड़ता है पंचायत एरिया। सो पंचायत ऑफिस है हमारा भूमबंजंग में, और हमारा वीडियो ब्लॉक ऑफिस है सुखिया में। तो जितने भी ऑफिशियल्स काम होते हैं हमारे, वो वीडियो ऑफिस यहाँ पर सुखिया में होते हैं। वहाँ पर इलेक्ट्रिक ऑफिस भी है, तो वहाँ पर कुछ काम है, तो वो काम निपटा के फिर हमें जाना है दार्जिलिंग टाउन। तो चलो आज सुखिया का थोड़ा बहुत शेयर कर लेते हैं। सुखिया जाने का रास्ता बहुत ही अच्छा है गाइस, देखो लॉट ऑफ आप लोगों को पूरा पाइन ट्रीज का नज़ारा मिलेगा। स्पेशली टूरिस्ट लोगों को ये एरिया बहुत पसंद है, वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं ये एरिया में, बहुत मस्त है। देखो गाइस, यहाँ पर टूरिस्ट का भीड़, और यहाँ पर ना टूरिस्ट ना ये देखने के लिए आते हैं पाइन फॉरेस्ट। यहाँ पर ऐसा है जंगल, तो यहाँ पर फोटो खींचने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। बहुत ही अच्छा टिकट काउंटर भी नहीं बनाए हैं, फास्ट फूड्स वगैरह बहुत ही अच्छा है गाइस। देखो गाइस, अभी हम पहुँच गए सुखिया बाजार। सबसे पहले अभी हम जाएंगे इलेक्ट्रिक ऑफिस। तो गाइस, अभी यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक ऑफिस आए थे, लेकिन यहाँ पर ना अभी सर्वर लिंक डाउन है, इसलिए काम नहीं हुआ। तो अभी डैडी जी हेयर कट करेंगे बोल रहे हैं, तो चलो पहले हेयर कट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक सुखिया पोखरी है, तो जिस नाम से सुखिया जाना था ना, सुखिया पोखरी, सुखिया का नाम यहीं से सुखिया पोखरी हो गया है। तो वहाँ पर एक पुराना पोखरी है, वहाँ पर भी जाएंगे शायद घूमने के लिए, थोड़े देर शॉर्ट डिस्टेंस में। चलो देखते हैं सुखिया मार्केट में क्या खरीदना है डैडी जी। खाना के लिए गुंडरुक, गुंडरुक सपना मिला खाना के लिए, बोला। सो गाइज, ये है गुंडरुक, दिस इज एक्चुअली नेपाली क्विजिन, जो रेडिश से बनाते हैं, तो नाना का फेवरेट है ना करिश्मा दीदी को, उसने मंगवाया था मकई। तो गाइस, अभी देखो डैडी जी हेयर कट करने के लिए आए हैं यहाँ पर। बाप बेटा को दोनों एक ही साथ में करना है ना। और ये सैलून का नाम से क्या हो? न्यू संगम। ओल्ड संगम कहाँ गया? डैडी जी का अच्छा सा हेयर कट करके एकदम बढ़िया सा बना देना। डैडी जी अपना डिजाइन दे रहे हैं, क्या क्या करना डिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो बूढ़ा हो जाएगा। कैसा कलर का कपड़ा पहना दिया, ऐसा लग रहा है कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा हूँ। मेरा कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये छड़ी मिलाना है। सो गाइस, मैं सोच रहा हूँ कि अपना बाल थोड़ा सा लंबा रखो इस बार, तो देखेंगे कितना लंबा तक रख सकेंगे। तो अभी के लिए थोड़ा जस्ट साइड में ट्रिम कर लेते। डैडी जी तो हमेशा ही छोटा रखते हैं, डैडी जी को लंबा बाल पसंद नहीं है। मैंने डैडी को कभी लंबा बाल करते हुए नहीं देखा, देखो अभी भी छोटा ही करते हैं। सो चलो गाइस, अभी फाइनली बाप बेटा दोनों का हेयर कट हो गया है, और मेरा ऐसा हो गया है, थोड़ा सा साइड में ट्रिम किया, और डैडी जी तो एकदम चकाचक हो गया। डैडी हो गया, चलो अभी चलते। अभी फिर से हम इलेक्ट्रिक ऑफिस गया था, और वहाँ पर फिर से अभी तक सर्वर ही नहीं आया, और सब लोग वहाँ पर कंप्लेन कर रहे थे कि मतलब
सुबह से लेकर सर्वर अभी तक नहीं आया। कोई कोई गांव से दूर से आते हैं, गाड़ी भाड़ा देके आते हैं, तो बिजली का बिल देने के लिए आया है, तो अभी तक सर्वर ही नहीं आया, तो क्या वैसे कंप्लेन वम्प्लेन हो रहा था। तो हम तो फिर निकल चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं जोर पोखरी। तो वहाँ पर एक छोटा सा पोखरी है, बहुत ही पुराना, वहाँ पर दादी जी मुझे ले जा रहा है घुमाने के लिए। तो चलो जोर पोखरी दिखाते हैं आप लोगों को, शायद मैं पहली बार ब्लॉग कर रहा हूँ वहाँ पर, है ना, जोर पोखरी कभी नहीं गया। यहाँ से जाते हैं, ये माने भंजंग जाने का रास्ता जो है ना, हाँ यहाँ से इतना छोटा रास्ता है। यहाँ पर मॉनेस्ट्री है, सुखिया मॉनेस्ट्री, बहुत बड़ा मॉनेस्ट्री है, बहुत बड़ा है। यहाँ पर तो आया था मैं एक बार, बहुत पहले, कंप्लीट नहीं था उस टाइम। भाई देखो सुखिया पोखरी जाने का रास्ता, और यहाँ पर पूरा फॉग फॉग लगा हुआ है। मौसम देखो, शायद दादी जी बहुत दिन के बाद आया होगा ना, बहुत दिन के बाद, दिन नहीं साल के बाद, साल के बाद था। जब हम बचपन में ना ऐसे छोटे थे, मैं और करिश्मा ना, मम्मी करिश्मा ना, मैं डैडी ऐसे घूमने के लिए आते, मम डैड हमें घुमाने के लिए यहाँ पर लेके आते थे, तब हम ना वहाँ सुखे से पैदल चल के जाते, फिर पैदल चल के आते थे। इतना अच्छा रास्ता भी नहीं था, मजा आता था उस टाइम, पता नहीं क्यों लेकिन मजा आता था। पिकनिक पिकनिक जैसा, पिकनिक जैसा आते हम, है ना, आने के लिए घूमने के लिए ऐसे आते थे। अभी बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ, ये देखो ऐसा है यहाँ रास्ता। सो गाइस अभी फाइनली हम पहुंच गए जोर पोखरी। तो बचपन का याद आ रहा है गाइस, मैं तो भूल चुका, मतलब कैसा है सब मैंने याद भी नहीं है कैसा है। तो मुझे ये देखकर याद आया, यहाँ पर जो शेषनाग का वो है ना स्टैचू, वो देख के याद आया। हाँ हाँ, ये तो देखो यहाँ पर एक पोखरी है, यानी कि लेक, यहाँ पर मछलियाँ भी है बहुत सारा, देखो मसारा पूरा रिजाए, छोटा सा लेक है गाइस, बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन अभी पानी थोड़ा गंदा गंदा दिख रहा है। ये टैटपोल्स, बहुत सारे टैटपोल्स है देखो, और देखो यहाँ पर पूरा फॉग आ रहा है, अभी अंधेरा हो जाएगा। बूढ़ी बाबा कितना ठंडी हवा आ रहा है। सो गाइस देखो ये एक मछली, तो मैं सोचा ये मर गया, लेकिन अभी ये मरा नहीं है, ये अभी जिंदा है देखो, लेकिन मरने वाला है, पता नहीं अभी इसको क्या करूँ, उसका ट्रीटमेंट कोई होगा, पता नहीं अब मछली को कैसे बचाना है ना, पानी से बाहर निकलेगा तो मर जाएगा, पानी के अंदर ही मरने वाला है, ऐसा है। और यहाँ पर देखो गाइस हांस भी है, एक दो तीन चार हांस है यहाँ पर, पहले पहले तो यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा हांस हुआ करता था, अभी पता नहीं है कि नहीं। वहाँ माथी वाला, वो माथी आई राजा हंस। सो गाइस दादी जी बोल रहे हैं कि पहले पहले यहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा वाला हंस होते हैं, राजा हंस, तो शायद वहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे एक दो, वहाँ पर होगा शायद, आप लोगों को दिखाऊंगा। है ना गाइस, ये जोर पोखरी क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर ना सैलामेंडर्स पाए जाते हैं, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए भी आते हैं। एंड आप लोगों को पता है सैलामेंडर अभी मतलब एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, तो उसको है ना, तो गाइस उसके बारे में रिसर्च करने के लिए बहुत सारे वो आते हैं यहाँ पर सैलामेंडर के लिए। यहाँ पर सैलामेंडर कभी कभी दिखाई भी देते हैं ऐसे, तो हम लोगों को तो पता नहीं, दिखाई नहीं देगा क्योंकि पानी के अंदर छुप के बैठा होता है ना। तो ओ गाइस देखो यहाँ पर है बड़ा बड़ा हाँस, हाँ घूम देना ले। गाइस इसका आवाज सुनो कितना अजीब है ना, ये हंस है, हम बोलते इसको राजा हंस, तो ये बहुत ही बड़ा प्रजाति का हंस होता है। वहां पर जो है हंस वो छोटा वाला प्रजाति का, ये है बड़ा वाला प्रजाति का, तो पहले पहले इससे भी बड़ा बड़ा होते हैं ना दादी जी। डैडी जी क्या निकाल रहे हो, ये सुपारी, मुझे पता है बन सुपारी है, ये घर सुपारी नहीं बन सुपारी है। पहले पहले ना पैसा नहीं होता था, सुपारी बोल ऐसा निकाल के खाता,
इसका, लेकिन ये रूट इसका हेल्थ बेनिफिट बहुत है गाइस, बहुत है। शुगर शुगर के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है ये। इसको आँख में घाम में पूरा सुखा के ना पीस करना पड़ता है, बहुत अच्छा होता है। क्या मुझे देखे थे भाई बोले, वाह बड़ा वाला बन सुपारी मिल गया। बाद में सुखा के खाएंगे डर जी, इसको ऐसे गाड़ी में रखना दवाई दवाई के लिए। सो गाइस अभी ये हम ना घर लेके जाएंगे, फिर इसको सुखा के हम खाएंगे, रखना ल। गाइस ये देखो इतना ब्यूटीफुल एरिया, यहाँ पर ऐसे लॉज ऐसे कुछ स्टे करने के लिए ऐसे भी है होम स्टे टाइप का। और ये पर देखो ये पुराना पुराना बिल्डिंग है, सब क्लोज है, बंद है पूरा। यहाँ पर वॉशरूम है वो भी बंद है पूरा। एक्चुअली गाइस यहाँ पर पहले बहुत टूरिस्ट आया करता था, लेकिन अभी यहाँ पर बहुत ही कम टूरिस्ट आते हैं, इसलिए सब यहाँ पर अभी बंद पड़ा हुआ है। सो गाइस यहाँ पर देखो अभी बहुत ही बड़ा टूरिस्ट लॉज भी है, जोरपोखरी टूरिस्ट लॉज, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, जीटीए दार्जिलिंग। यहाँ पर है बहुत ही ब्यूटीफुल है, देखो वाओ बहुत ब्यूटीफुल एरिया है गाइस, देखो कितना खूबसूरत है ना, लोकेशन काफी अच्छा है। सो गाइस अभी देखो हम टूरिस्ट लॉज के अंदर आए, एक्चुअली यहाँ पर मैनेजर सर से मिलना है, यहाँ पर पूछना है कि मतलब ड्रोन अलाउड है या नहीं, अगर परमिशन मांगना है तो क्या क्या वो है प्रोसीजर है वो पूछ के, फिर नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब उड़ाऊंगा ड्रोन। अभी तो मैंने लेके नहीं आया, लेकिन लोकेशन देखे ना अभी उड़ाने का मन कर रहा है, लेकिन मैंने ड्रोन नहीं लेके आया ना, तो चलो पहले पूछते उड़ाने का मौका मिलेगा या नहीं। इतना खूबसूरत लोकेशन है, जब मौसम अच्छा होगा ना अमेजिंग रहेगा गाइस। देखो यहाँ पर ना कोहरा, कभी इधर जाते कभी उधर जाते, बहुत ही अच्छा है, पीसफुल। अगर आप लोग यहाँ पर आके स्टे करेंगे तो यहाँ पर है टूरिस्ट लॉज, बहुत ही ब्यूटीफुल। चलो सर से मिलते हैं अभी जो। तो गाइस अभी जोरपोखरी टूरिस्ट लॉज में यहाँ पर मैनेजर साहब से मिल लिया, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर उड़ा सकते हैं, लेकिन जब आएंगे तभी परमिशन लेना पड़ेगा। तो चलो जब आएंगे तब यहाँ से सर से मिलके परमिशन लेके उड़ाएंगे एक दिन जरूर। तो ब्लॉग में बने रहे। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर ना जोरपोखरी टूरिस्ट लॉज का रूम टूर करवाने जा रहा हूँ। सो चलो यहाँ पर है ऊपर में रूम, चलो अभी देखते हैं कैसा है रूम। डैडी जी जूम रूम है, यहाँ से हमारे डैडी जी को साथी हूँ नाम से राम अंकल जी, राम थापा जिग्री दोस्त अंकल, डैडी जी का जिग्री दोस्त। और यहाँ पर हमारे आंटी हुनुहुँदो रहेछ, है आंटी नमस्ते भनिदिनु न, नमस्ते भनिदिनु न। हाम्रो आन्टी चाहिँ सब्सक्राइबर हुनुहुँदो रहेछ है, अलिकति रुम हेर्छु ल। हजुर ओ दिस इज अ स्विट रुम एन्ड दिस इज अ प्रपर वुडन रुम है गाइज, क्योंकि यहाँ पर जोरपोखरीका जो वेदर है ना बहुत ही मतलब ठन्ड है, विन्टर में तो स्पेसली बहुत ज्यादा ठन्ड होता है, सायद आप रुम देख के पता चलेगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर आग जलाने के लिए के भन्छ आन्टी, फायर बर्नर हो, यसको चाहिँ एक्स्ट्रा अब उयोहरू दाउराहरू लाएर है। देखो बोधी अच्छा ओन्ली लजिङ 4,000-4,500 जिएसटी इन्क्लुडिङ जिएसटी ना, अर फुडको चाहिँ अर्डर गर्दा किचन यहाँ होला नि त, ओके फुल्ली फर्निस्ड रुम है गाइस। देखो डबल बेड, यहाँ पर वासरुम, यो चाहिँ वासरुम होला नि, ये है वासरुम, क्लिन एन्ड क्लियर वासरुम है, बोधी अच्छा है। एंड रूम आपका बहुत ही स्पेशल रूम है, वुडन रूम गाइस, जोरपोखरी में आके आपको स्पेशल रूम मिलेगा, इतना बहुत बढ़िया है, विंटर में बहुत मजा आने वाला है। हेरम ना नॉर्मल, यो चाहिँ सबभन्दा ठुलो रूम यो, ओ सबसे बड़ा रूम ये है, स्वीट रूम है, 4,500 में आपको ये रूम मिलेगा, अमेजिंग वाला, फैमिली के साथ आके इन्जॉय कर सकते गाइस। देखो चलो अभी अपस्टेयर्स चलते है, दिस इज लॉबी, लॉबी एरिया है। सो यहाँ पर आप सुबह ब्रेकफास्ट डाइनिंग भी कर सकते हैं ना, लॉबी एरिया भी काफ़ी अच्छा है गाइस। यहाँ पर डबल बेड एंड पुराना पुराना दार्जिलिंग का फोटो है, ये कौन सा होगा डैडी जी जरा गेस करके बताओ कहाँ का फोटो होगा। रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन तो है लेकिन कहाँ का, यहाँ पर लिखा है कोर्सियंग रेलवे स्टेशन, ये कोर्सियंग का रेलवे स्टेशन, ये है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। ओ भाई दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन बहुत पुराना, ये दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का पुराना फोटो गाइस, देखो अलिकति साइनिङ भयो त यहाँ, देखो है। सो गाइज ये छोटा रूम है, ये सिर्फ आप लोग बढ़ेगा 2,800 रुपीज में, इंक्लूडिंग जीएसटी एवरीथिंग है ना, अच्छा है।
यहाँ से व्यू दिखाते हैं आपको, देखो व्यू ऐसा है, बहुत ही बढ़िया व्यू, देखो इधर भी देख सकते हो बालकनी। ओ बालकनी भी है, ये तो बढ़िया है फिर। अच्छा हजर हे अहिले देखाउँछु नि लास्टमा ल। सो गाइज यहाँ पर स्पेशल बालकनी है एंड बालकनी से इतना खूबसूरत नजारा, वाओ गाइज देखो है ना अमेजिंग। डैडी जी कैसा लग रहा है? शायद मम्मी को लेके आना पड़ेगा यहाँ पर, मैं सोच रहा हूँ। डैडी जी अंदर जल्दी प्लान करेंगे। देखो स्पेशल है गाइस, इतना शांति यहाँ पर, कोई शोर शराबा नहीं है, सिर्फ नेचुरल मतलब इन्वायरमेंट। देखो कितना खूबसूरत है, और यहाँ पर नीचे में ऐसा व्यू मिलेगा, नीचे रास्ता है, देखो ये वन वे रास्ता है। जब टूरिस्ट घूमने आता है ना यहाँ से, वो रास्ता हो कैसे हो के अभी हमें को रोड निकलता है, हम लोग यहीं से जाना है, यहाँ से जा भी सकता है, वहाँ से भी जो आया था वहाँ भी जा सकता है, उस रास्ता भी जा सकता है। तो कहीं डैडी जी पहले यहाँ पर बहुत घूम मतलब टूरिस्ट घुमाने के लिए लेके आते हैं ना, उनको सब पता है, छोटा करिश्मा और तो हमको भी लेके आया था, बहुत घुमाने का शौक होता था, लेके आता है। चलो अच्छा है रूम, ल यो चाहिँ लॉबी एरिया है, आंटी जी भी बहुत अच्छा हिंदी बोल लेती है। टूरिस्ट लोग कैसे हिंदी बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा, जो जो आता है वही बोलना पड़ेगा। सही है, बहुत ही अच्छा है आंटी, बहुत क्यूट है सच में, बोलने से तो नहीं हो सकता। सो गाइस देखो कितना अच्छा, यहाँ से डायरेक्ट आपको ना ये वाला लेक वाला व्यू मिलेगा, वाह ब्यूटीफुल टाइम मिले छ यहाँबाट त है, मन्दिर चाहिँ त्यही हो। सो गाइस देखो इतने अच्छे मौसम में ना यहाँ पर बहुत सारे प्लांट्स है, बहुत सारे फूल है, देखो कितना अच्छे अच्छे फूल, वैरायटीज ऑफ फूल है यहाँ पर भी, आप देख सकते हैं प्लांट्स हर जगह, प्लांट्स हर जगह, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स, कलरफुल है बहुत सारा। एंड ये क्या है, छोटा छोटा फल जैसा है, ये तो पता नहीं क्या है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता देना। यहाँ पर जितने भी प्लांट्स एंड फ्लावर्स है ना, इतना अच्छा क्यों खिल रहा है पता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे ब्यूटीफुल आंटी यहाँ इसको केयर करती है। देखो आंटी भी फूल जैसा खूबसूरत है, आंटी के लिए भी एक कमेंट कर देना। अरे आंटी तब नाम की हो? मेरा नाम कुमारी सुंदास। आंटी मुस्कुरायो। कुमारी सुंदास आंटी ल सुक्या पोखरी बड़ है तब कति वर्ष भयो यता गरेको? भयो 22 इयर्स। 22 इयर्स सिर्फ फूल हो फूलकै? वाओ गाइस 22 इयर्स से फूलको काम गरेर है, मम्मीसँग भेटाउनु पर्ने छ, मम्मीले पनि फूलै फूल मात्रै गर्छ नि त कि, यो सबै फुल तपाईँले हेर्नुहुन्छ? त आपको फुल देख्न बहुत पसन्द है, फुल देख्न बहुत पसन्द है, ठिक है। यो फुलको नाम के हो? क्यानेन्डुला। वाओ गाइस क्यानेन्डुला दामी, क्यानेन्डुलाको बीबीमा सयपत्री हालिदिइरहेछु। ओ सयपत्री फुल भी है गाइस, मेरीगोल्ड यहाँ पर। हुन्छ थ्याङ्क यू, काम गर्दै गर्नुहोस् है। एन्ड आन्टी भी हमारे सब्सक्राइबर है, मेरा भिडियोज देख्थे है, इसलिए मैंने बताया था कि ओ आप तो दर्शन भाई है ना बोलते, तो जहाँ पर भी जाते लोग ऐसे मुझे बुलाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, अब नेक्स्ट टाइम आउँछु नि ल ड्रोन उडाउनु। हजुर ए हुन्छ 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 हुन्छ, बस्नुहोस् ल, बाई बाई, सी यु अगेन, हुन्छ बस्नुहोस् ल अङ्कल, हुन्छ बाई बाई। सो चलो गाइस जोर पोखरी टुरिस्ट लजमा भी थोड़ा सा घुम लिया, अभी हम जा रहे बैक टू सुखिया, लेट्स गो। ओके सो अगर आप लोगों को बुकिंग करना है तो यहाँ पर नंबर वंबर दिया है, यहाँ पर कॉल करके आप बुकिंग कर सकते हैं। चलो चलते हैं। ये देखो गाइस हाँस स्विमिंग कर रहे हैं यहाँ पर, छोटा छोटा हाँस ये। सो गाइस अभी देखो डैडी जी सुखिया का एकदम गली वाले मार्केट में लेके आया है, यहाँ पर सब्जियाँ बहुत सारी चीज़ें है, देखो क्या लेने हजुर, यहाँ रहेछ नि त टिम्बुर गाइस, देखो ये टिम्बुर है, टिम्बुर घिउ पनि रहेछ है, ओ डल्ले खोर्सानी भाइ गाइस, देखो बहुत सारे दाल वगैरह है, हल्दी है, चिउरा है, देखो काँक्रा छैन अङ्कल है, ए सकिरहेछ, हेलो ब्रदर कैसे हो मेरे भाई, ठीक है, बाय 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 आंटी।
हेलो हिरो, ए कहाँ से कहाँ निकल दिया डैडी जी, पता नहीं। तो चलो गाइस, अभी सुखिया का सारा काम हो गया है, अभी हम जा रहे हैं घूम की तरफ। और घूम की तरफ तो जा रहे हैं, लेकिन घूम की तरफ का मौसम देखो अभी ऐसा है, कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। तो गाइस, अभी हम पहुंच गए घूम, और घूम का मौसम थोड़ा सा अच्छा है। और यहाँ पर डैडी जी ने गाड़ी पार्क कर दिया है। अभी डैडी जी का काम है यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, तो चलो वहाँ पर चलते हैं अभी। और ये है घूम रेलवे स्टेशन, जहाँ पर टॉय ट्रेन आते हैं। चलो गाइस, अभी देखो बैंक का काम हो गया कंप्लीट, और जैसे बैंक से निकला बारिश, देखो मौसम पूरा हो गया बारिश। हेलो, और हमारा गाड़ी है वहाँ पर, अभी यहाँ से यहाँ वहाँ तक भीग के जाना पड़ेगा, भीग के जाना पड़ेगा। गाइस, अभी देखो डैडी जी का दोस्त का छाता बोरो करके अभी हम घूम रहे हैं यहाँ पर, घूम रहे। और डैडी जी ने अभी तक खाना भी नहीं खिलाया, अभी घर में जाके खाना खाएंगे शायद। बहुत काम करते करते टाइम ही नहीं मिल रहा यार। मौसम ऐसा है। सो गाइस, देखो फाइनली डैडी जी लेके आए बढ़िया वाला रेस्टोरेंट में। अब डैडी जी खा रहे थुप्पा और मैं खा रहे हैं मोमो, चलो स्पाइसी चटनी के साथ। मोमो खाने बाबा ना, मेरे टेस्ट करो ना, अच्छा है। डैडी जी जल्दी करो ना, क्या क्या कर रहे हो? कांकरा लेने गया। देखो गाइस, को तो बड़े कांकरा हो अंधेरी देखते हो। लो कांकरा कहाँ रखो, यहाँ रखो। लो गाइस, अभी चलते निकलते, डैडी जी ने बड़ा वाला कांकरा भी ले गया, ये डिनर में सैलड खाएंगे। लो टार्जन भाई, मम्मी जी को फोन लगाओ तो। टार्जन भाई भी आ गया, स्कूल का छुट्टी हो गया इसका। लो चलो, सो गाइस फाइनली पहुंच गए डैडी जी का दुकान। आज दिन भर बंद था, अभी ओपन हो गया। लो डैडी जी, अभी को सामान। सो चलो गाइस, अभी मम्मी जी को फोन लगाते हैं यहाँ से। मम्मी, डैडी जी ने बोला है डैडी जी को गर्मा गर्म चाय चाहिए। हाँ मैं आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ये नया फोन से थोड़ा नेटवर्क कम आ रहा है। ओके, अभी चाय लेने के लिए आ रहा हूँ, अभी मैं नया फोन से फोन कर रहा हूँ। नहीं, नया फोन है, नया नाम आ रहा है, बाद में दिखाऊंगा कौन सा है फोन। ग्रीन कलर का है, बहुत अच्छा है। ओके, चलो गाइस, अभी घर पहुंच गए, एंड आज का दिन भी ऐसा ही था, बहुत मजा आया। सो चलो गाइस, होप कि आप लोग आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दर्शन ब्लॉग्स। जस्ट एंजॉय योर लाइफ, बी हैप्पी, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट।